हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत। सर, दूसरे चरण का ड्राई रन हो गया, मकसद ये था ये जानना कि जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो हमें कुछ कमियों का पता चल सके। आपको क्या पता चल सका अब तक? दोनों रन में पूरी टीम है, सिविल सर्जन पटना है, हमारे स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, सब लोग हैं। तो पहले चरण में जब हम लोगों ने ड्राई रन को देखा था तो हम लोगों ने एक अपना आइडिया एक बिहार राज्य में ये किया कि जिस तरह से चुनाव के दिन माहौल थोड़ा फेस्टिव होता है, उत्साह होना चाहिए क्योंकि ये वैक्सीनेशन लगा जा रहा है, तो हम लोगों ने एक यह निर्णय लिया है कि हर सेशन साइट जहाँ पर यह काम होगा, अभी आप देख रहे होंगे जैसे पारस में भी, तो इसको थोड़ा सा फेस्टिव बनाना है कि लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरा विश्व देश सब लोग देख रहा है। और बिहार में जिस प्रकार कोविड की लड़ाई लड़ी गई है सबके सहयोग से, ये हम लोग के लिए आवश्यक है कि हम लोग यह मैसेज भी यह राज्य दे कि वैक्सीनेशन में भी हम काफ़ी अव्वल दर्जे पर रहेंगे। तो एक हम लोगों ने ये एक एडिशन किया। दूसरा, जो अंतिम 30 मिनट होता है ये मानकर हम लोग चल रहे हैं कि आप हों चाहे मैं हूँ, एक बार वैक्सीनेट हो जाएंगे और 30 मिनट अगर हमको कहीं बैठना हो तो वहाँ पर हम लोगों ने टीवी वगैरह को भी लगवा दिया है ताकि आपका जो आधा घंटा समय है वो अच्छे से स्पेंट हो। पहले चरण में चूँकि हेल्थ वर्कर्स का होना है तो क्या उन लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और कितनी संख्या है पूरे बिहार में? कि इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में एक तरफ सरकारी पूरी टीम है और एक तरफ प्राइवेट है, तो सरकार के तो जितने भी डाटा हमारे हैं सब अपलोड हो गए, और प्राइवेट में हम लोग लगातार उनसे मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोगों से हर ज़िले में बैठक हो रही है, जिला टास्क फोर्स, जिला पदाधिकारी के स्तर पर। और हम लोगों ने अखबार में दो बार पहले भी विज्ञापन दिया और आज विशेष रूप से बहुत बड़ा विज्ञापन आज अखबार में हम लोगों ने निकाला है जिसमें हम लोगों ने लिंक दिया है कि अगर वो चाहें तो अपने आप को, क्योंकि मेरा आपके माध्यम से भी अनुरोध होगा तमाम हमारे जो निजी क्षेत्र में हमारे चिकित्सक और जो भी चिकित्सा कर्मी हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसको वो इसका फायदा उठाए। दे शुड नॉट बी लेफ्ट आउट।